एग्जामिनर को पूछिएगा, ये बहुत पेट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनर्स, ठीक है, दे आस्क अबाउट इट इवन इन वाइवर्स एंड इन ऑस्कीज, ठीक है. सो ये आपको आ गया सबको, ये परफॉर्म करना चाहेगा. हाँ, तथा पहले जमाने में जब तक एपिजियोटमी इजाद नहीं हुई थी, इफ यू आर टायर्ड यू पीपल कैन सिट. अच्छा, पहले ज़माने में ये होता था, पहले ज़माने जब तक एपिजियोटमी नहीं इजाद हुई थी तब तक ये था कि नॉर्मल बर्थ तो होती थी, ये तो सालों से काम चला आ रहा है, लेकिन उसमें ये होता था कि बेबी जब डिलीवर होता था तो टेयर आ जाते थे. अब फॉर एग्जांपल एक काम हम करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसमें चांसेस ऑफ एरर्स कम होते हैं. एक काम हम करते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस नेचुरल हो रहा है, उसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा हैं. अब पहले तो ये, अगर नॉर्मल किसी बेबी का मेटरनल पेल्विस नॉर्मल है, बेबी का साइज़ उसकी एप्रोप्रिएट है, वो तो नॉर्मल स्मूथ डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर बेबी का साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, और मेटरनल पेल्विस नैरो है, तो क्या था करूँगा है मुझे. तो क्या होता था, वो बेबी ने तो डिलीवर होना है, ठीक है, तब तो जो सिजेरियन सेक्शन में नहीं होता था बेबी, तो सिजेरियन सेक्शन मेरे ख्याल में 18 समथिंग में आया है ना, लिखा था वो. खैर जब ये आया तो उससे पहले वो बेबी जब डिलीवर होता था उससे इस पाथवे से गुजरना है. तीन चीजें होती है ना, क्या क्या होता है, एक पाथ पैसेज होता है, एक पैसेंजर और एक पावर्स. तो वो जो पैसेज होता था, इन तीनों में भी अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो सकता. अब बेबी जब डिलीवर होते तो यहाँ पे कितने वाइटल स्ट्रक्चर है, यहाँ सबसे पहले ऊपर क्या है, ब्लैडर, ठीक है, उसके पीछे रेक्टम और इंटेस्टाइन्स, फिर नीचे वजाइना, सर्विक्स, ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये टेयर हो जाती थी. अब जब ये टेयर होती थी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग के बाद क्या होगा, मेटरनल शॉक और फिर ऐसे ही होता था कि पहले मेटरनल मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती थी. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि हम एक खुद से इंसियन इजाद करते हैं, ऐसी इंसियन कि जिसमें हम एक, जैसे हम सर्जरीज करते हैं किसी पेशेंट का आरटी होता है तो उसमें यकदम कुलियन होती है तो कितनी रैपिड इंजरीज आती हैं. लेकिन अगर हम वही कोई एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं, हम सिस्टमेटिक इंसाइज करते हैं, तो क्या उसको उतना ट्रॉमा होता है, नहीं, वो तो हीलिंग भी 2 दिन में हो जाती है. तो इसी तरह सर्जिकल इंसियन हम एपिजियोटमी देते हैं ताकि स्मूथ डिलीवरी ऑफ बेबी हो. पहले ये होता था कि यहाँ ये है जीन ट्राइटिस, आपको पार्ट्स पता है, एक पेरिनियम के पार्ट्स पता है, यहाँ पे वल्वा, सॉरी वल्वा क्या होता है, प्यूबिक मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद यहाँ पे लेबिया मेजोरा माइनोरा, यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये है रेक्टम, ये है उसकी एनस, और ये दरमियान में पेरिनियल बॉडी समझ ले. अब ये वाला एक सेफेस्ट पॉइंट था बिटवीन द जेनिटल ट्रैक्ट और यूरेट्रल ट्रैक्ट स्ट्रक्चर और एनस के दरमियान में. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम ये वाली स्पेस है जिसको यूज़ कर सकते हैं. पहले जब सबसे पहले एपिजोटमी दी गई वो थी मिड लाइन, इसलिए दी गई कि यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा होता है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स कम होते हैं, और जो पेशेंट है उसकी क्या कहते हैं, हाँ, ब्लीडिंग कम होती है. लेकिन जब यहाँ से दिया गया तो देखा कि समटाइम्स टेयर्स भी एक्सटेंड हो जाते हैं, तो पीछे से बिल्कुल एनस था, फिर वही एनल स्फिंक्टर्स और रेक्टम, तो फिर उसमें भी चांसेस ऑफ इंजरी ज़्यादा है. फिर उन्होंने क्या किया, हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे जैसे चीज़ें हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसको मॉडिफाई कर लेते हैं. फिर उन्होंने ऐसे मीडियो लेटरल देना स्टार्ट कर दी. अब आज तक यही चल रही है मीडियो लेटरल. इसमें क्या होता है कि जो पोस्टीरियर फॉसेट होते हैं इसे एंगल से इधर देते हैं, यहाँ पे इसको रेक्टल फॉसेस होते हैं, तो वी गेट इन स्पेस टू गिव द इंसिजन दे के, उसके बाद फिर हमने पेरिनियल स्ट्रक्चर पे सपोर्ट देनी होती है, बेबी को डिलीवर कराना होता है. जब हम एपिजियोटमी देते हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कट होते हैं, स्किन मसल एंड वजाइना में कौन है? हाँ, स्किन मसल, अगर हम आउटर टू इनवर्ट जाएं, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, स्किन, उसके बाद नीचे क्या आएगा, मसल, और फिर उसके बाद क्या आएगा, म्यूकोसा. वो कौन सा म्यूकोसा है, सबसे नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है, म्यूकोस मेम्ब्रेन वाला वजाइना, तो वो कट होते हैं. अब हमने स्टिच करना है तो हम सबसे पहले अंदर से स्टिच करते हैं. अब जो म्यूकस, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी की, लाइक हमारा माउथ है, अगर यहाँ पे कितनी वेस्कुलरिटी है तो सेम इज़ विद द वजाइना, वहाँ पे वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा है, और लेबर में तो और भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ एक्टिव काम हो रहा है, तो जहाँ भी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा सर्कुलेशन होती है. तो हमने म्यूकोसा स्टिच करना है. अब आप मुझे ये बताएं, म्यूकोसा हम इंटरप्टेड में स्टिच करेंगे या कॉन्टीन्यूस में? ताकि ब्लीडिंग ना, अगर हम इंटरप्टेड में करेंगे वो तो इतना वेस्कुलर है, वो तो जगह जगह से यूज करेगा, ब्लीडिंग तो सिक्योर नहीं हुई, तो फिर हम उसको कंटिन्यूस में करेंगे. अब हम इसे एब्जॉर्बेबल होगा ना मैम? यस, वो एब्जॉर्बेबल सिचुएशन होगा. अब हम जब कट करते हैं किसी भी चीज़ को तो वैसे गेप करके, यहाँ पे ये कट आया तो ये ऐसे ट्राइंगल शेप बन जाता है ना, जैसे पायरामिड है तो वो भी ऐसे ट्राइंगुलर शेप होते हैं, उनकी एक एपिक्स होती है.
हमने क्या करना होता है, उस एपिक्स को लोकेट करना होता है। अगर वो इतना टेयर एक्सटेंड हुआ तो उसकी एपिक्स यहाँ होगी, अगर इतना दिया तो उसकी एपिक्स यहाँ होगी, उस एपिक्स से 1 सेंटीमीटर पीछे। क्योंकि वैसे उसका नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब भी कहीं ट्रॉमा होगा उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, वो रिट्रैक्ट बैक कर जाती है। ठीक है, जब रिट्रैक्ट करती है तो अगर हम तो सिर्फ एपिक्स पे स्टिच लगा देंगे तो वो तो पीछे है ओपन एंड्स के साथ, तो वो फिर वहाँ पे हीमाटोमा जमा हो जाएगा, एक हीमाटोमा ब्लड कलेक्शन हो जाएगी ना, फिर हमने वहाँ से स्टिच लेना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बैक फ्रॉम द एपिक्स, ई बुक में लिखा होता है। उसके बाद वहाँ से लेके अब एंकरिंग सूचर वैसे ही यहाँ पर लगा के टाइ किया और फिर कंटिन्यूस लेते लेते हम यहाँ स्किन तक आ गए। यहाँ पे आएंगे तो फिर हम यहाँ पे नॉट कर देंगे। अब हमारा म्यूकोजा स्टिच हो गया, अब हम ये वाली हमारी इंटैक्ट हो गई केनाल, अब हम यहाँ से बाकी काम करेंगे। नीचे क्या रह जाएगा, मसल्स। अब पेरिनियल मसल्स की कितनी लेयर्स होती है, टू। वन इज सुपरफिशियल एंड देयर इज डीप पेरिनियल मसल्स। तो पहले डीप मसल्स लेंगे, वो इंटरप्टेड में लेंगे, और उसके बाद फिर सुपरफिशियल। जब वो ले लिया, ये भी उसमें सारे अब्सॉर्बेबल लेंगे। उसके बाद स्किन रह जाएगी, स्किन में आपकी चॉइस है कि आप सब कट, वो जो मैंने बताए थे प्लेन सुचर जो एक ही नॉट लगती है वो भी ले सकते हैं और इंटरप्टेड भी ले सकते हैं। इस तरह आपकी एब्जॉर्ब भी कम्प्लीट हो जाती है। ठीक, और कुछ? और ये तब करते हैं जब क्राउनिंग होती है। यस, ये तब करते हैं जब क्राउनिंग होती है। ज़्यादातर एच पी डी की थेरेपी प्राइमरी में होती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेवडा में, कुछ लोग इसको प्राइमरी ग्रेवडा कहते हैं, बट इट इज प्राइमरी ग्रेवडा। और बाकी बाहर अगर बच्चे सेकंड डिलीवरी में बेबी साइज बेबी है तो फिर उसमें दे सकते हैं, लेकिन अगर देखते हैं कि पेल्विस कितना है, नहीं तो यूजली बाद में सिर्फ एच पी डी होती है, अभी जरूरत नहीं पड़ती।